त्रिलोकपुरी इलाके में राशिद नाम के एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर फरार हुए शहबाज आसिफ और समीर नाम के तीन बदमाशों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। राशिद जेल में था जिससे आसिफ की दुश्मनी चल रही थी। राशिद के जेल से बाहर आने के बारे में आसिफ को जैसे ही भनक लगी तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे ठिकाने लगाने का प्लान बना डाला। इसी के तहत उन्होंने राशिद पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और फरार हो गए। इस हमले में राशिद तो बच गया था लेकिन उसका साथी घायल हो गया। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने गहन छानबीन की और शहबाज आसिफ और समीर को गिरफ्तार करने में कामयाब रही।